ताना बंद कीजिए। देखिए आपको हम इससे पहले फिजिकल गुण पढ़ा दिए थे, धातु और अधातु जो चैप्टर है उस चैप्टर का आपको भौतिक गुण पढ़ा दिए हैं, और आज आपको रासायनिक गुण पढ़ाया जाएगा। और इसमें आप ये सीखिएगा कि कोई भी धातु या अधातु, अधातु तो आज हो नहीं पाएगा, जनरल धातु ही देखेंगे, और वो धातु का रासायनिक गुण होगा क्या, यानी कि वो उसका रिएक्शन कैसा होगा। रासायनिक का मतलब कि जनरली क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनाए तो कह लिए हंस रहे थे, हंसता है तो दो चार बेहोश हो जाएगा तेरा हंसी देख, इसलिए हंसना बंद करो, जहाँ हंसे लगाएगा वहां मुड़ी गाड़ कैसे निकल देगा। देखिए इधर तो इसमें आपका रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातु यानी कि मेटल के बारे में, ठीक है। इससे थोड़ा सा और हम आपको प्रीवियस क्लास बहस कर देते हैं कि धातुएं जो होती है विद्युत का चालन करती है, वो विद्युत के साथ साथ आपका किसका उष्मा का चालन करती है, वो आघातवर्ग होती है यानी कि उसको अगर हम फूटे तो फैल सकता है, वो खिंचा सकता है, ये सब धातु का भौतिक गुण कहलाता है। और इसमें सीखिए कि धातु का रासायनिक गुण क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर धातु का तुम अभिक्रिया करा दो ऑक्सीजन से, वायुमंडल बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यदि आप धातु का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो वो अभिक्रिया कर करके आपको हमेशा धातु का ऑक्साइड प्रेजेंट करेगा, यानी कि ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। कोई जरूरत नहीं है लाल तो लाल हो जाएगा तू पतिलोले है कह रहे ऐसे ऐसे के शादी किया होगा समझ नहीं आ रहा है आपको ऐसा है बलाय बोला बोल रहा है पांडे जी कहेंगे इधर छीट रहा है तो इधर गणेश जी बोलो इधर रखो कहाँ जगह और अब छोड़ते चलो इधर देखिए अगर हम बात कर रहे हैं हम बोल रहे हैं गधा कहेंगे तो उतना मतलब कुछ तू उल्टा पलटा समझ जाता है। देखो जो भी धातुएं होगी वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना तो हमेशा क्या देगा धातु का ऑक्साइड। और ये भी आपको पता है कि जो धातु का ऑक्साइड होता है क्षार होता है, और उसको यदि आप अभिक्रिया कर दो क्षारीय पदार्थ बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जनरली इसको समझिए कि जो ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है धातु का ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर धातु का ऑक्साइड बनाता है। जैसे देखिए सोडियम आपका क्या है धातु है, बताइए तो ऐसा कौन सा धातु है जिसको अगर हम मतलब धातुएं जनरली क्या होती है हार्ड होती है कठोर होती है, लेकिन कुछ ऐसे धातुएं होती है जो इतना सॉफ्ट होता है कि उसे चाकू से काट दिया जा सकता है। जैसे आप लोहा को काट सकते हो चाकू से नहीं कर सकते, लेकिन कुछ धातुएं ऐसे होती है जिसे आप चाकू से काट सकते हो। सोडियम आपका इतना सॉफ्ट होता है उसे आप चाकू से काट सकते हैं। यदि आप सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए तो क्या बनाएगा धातु का ऑक्साइड, यानी कि सोडियम को आप रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीजन से तो सोडियम ऑक्साइड। लेकिन याद रखिये ये वाला आपका इसकी अगर बात कीजिएगा तो ये आपका बैलेंस नहीं है, और बैलेंस करने के लिए हम आपको पहले चैप्टर में बताए थे कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। देखो आप जानते ही हैं कि अगर यहाँ देखा जाए तो सोडियम कितना है दो है, क्योंकि यहाँ कितना है एक तो है, तो अगर हम यहाँ दो से गुना कर देते हैं तो समझिए सोडियम दो हो जाएगा, यहाँ भी सोडियम दो, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कैगो है दो, तो यहाँ दो से अगर गुना करते हैं तो सोडियम कैगो चार, ऑक्सीजन कितना दो, ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया बट यहाँ पास बाय ले लिया ऑक्सीजन के, अब चार हो गया तो यहाँ कितना सर गुना कीजिएगा चार से बैलेंस हो गया, तो यहाँ पास सोडियम रिएक्शन कर दिया ऑक्सीजन से बना लिया सोडियम का ऑक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम को आप अभिक्रिया करिएगा तो क्या बना लेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। आप बताइए देख कर करके लव सर तो बताओ ये वाला बैलेंस है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि देखिए मैग्नीशियम है ये धातु सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, आप याद रखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखिएगा तो यहाँ पास MgO है जबकि यहाँ पास ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ भी दो होनी चाहिए ना, क्योंकि आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम आपको पता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में आप जानते हो कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान चेंज नहीं होता है अर्थात संरक्षित रहता है। यहाँ पास इसको दो से गुना कर दीजिए यहाँ पास इसको आप दो से गुना कर दीजिए तो मैग्नीशियम दो हो जाएगा ऑक्सीजन भी दो, यहाँ दो से गुना कर दीजिए मैग्नीशियम दो बैलेंस हो गया, तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पालन कर लेता है। तो पहला रासायनिक गुण में आपका क्या है धातु का, पहला रासायनिक गुण में क्या है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बना लेते हैं यानी कि धातु का ऑक्साइड। दूसरा यदि आप धातु का अभिक्रिया जल से कराते हैं, धातु का अभिक्रिया जल से कराते हैं तो वो जल्दी अभिक्रिया करके H2 गैस और साथ साथ
धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोऑक्साइड। अब देखिए ऑक्साइड और हाइड्रोऑक्साइड क्या है, कि अगर धातु के पहले ओ, सॉरी धातु के साथ ओ लग जाएगा तो वो ऑक्साइड, और अगर ओ एच लग जाएगा तो ये हो जाएगा हाइड्रोऑक्साइड, इसको हम लोग ऑक्साइड बोलेंगे, ऑक्साइड। जबकि इसको हाइड्रोऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। याद रखें कि दोनों इसमें संभव है, अगर जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन तो हर हाल में देगा, अगर वो हाइड्रोऑक्साइड भी बनाएगा तो हाइड्रोजन देगा, ऑक्साइड भी बनाएगा तो हाइड्रोजन देगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि धातु के साथ जो आएगा वो हाइड्रोऑक्साइड आएगा या ऑक्साइड आएगा। अब इसमें भी एक चीज याद रखिएगा कि सब धातु हर एक तरह के जल से अभिक्रिया नहीं करता है, कुछ धातुएं होती है जो ठंडा पानी में भयंकर अभिक्रिया करता है, मतलब तीव्र गति से, कुछ धातुएं होती है जो ठंडा पानी सॉरी गर्म पानी में बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, और कुछ धातुएं जो होती है वो वाष्प के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो भी धातु होगा वो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक धातु आपको गर्म पानी से अभिक्रिया करे या ठंडा पानी से अभिक्रिया करे या जल वाष्प से अभिक्रिया करे, मतलब कि धातुएं जो होती है तीनों जल के तीनों फॉर्म से अभिक्रिया करती है, और डिपेंड करता है कि धातु किस तरह से किस तरह का है और कितना फास्ट अभिक्रिया करेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर सोडियम को आप अभिक्रिया करा दीजिए जल के साथ, सोडियम को जल के साथ, तो अगर गर्म जल है तो भयंकर स्पीड में एकदम तुरंत, ऐसे भी सोडियम इतना खतरनाक होता है कि वो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन अगर इसको में सोडियम में अगर गर्म जल मिला दिया जाए तो ये और तेजी से अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोऑक्साइड यानी धातु का ऑक्साइड। यहाँ क्या मिला रहा है, बना रहा है धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोऑक्साइड, तो यहाँ पर सोडियम क्या आपका धातु है और हाइड्रोऑक्साइड तो क्या बना लिया, जल के साथ अभिक्रिया करके। यहाँ पर देखिए धातु है, धातु प्लस जल, और रिजल्ट क्या दे रहा है, हाइड्रोऑक्साइड, हाइड्रोऑक्साइड प्लस गैस, और गैस वाष्प बन के आपका बाहर निकल जाएगा। तो धातु प्लस जल, धातु को यदि जल से अभिक्रिया कर दिया जाए तो धातु का ऑक्साइड या हाइड्रोऑक्साइड बना लेगा, जैसे NaOH क्या है, हाइड्रोऑक्साइड है प्लस H2O हाइड्रोऑक्साइड नहीं है, ये ऑक्साइड है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि दोनों बनता है, धातु का ऑक्साइड भी बन सकता है और हाइड्रोऑक्साइड भी। तो यही गलत बात हमेशा याद रखिएगा, ये वाला जितना हम लिखे हुए हैं ये सारे बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए यदि धातु को हम जल के सॉरी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर दे, अम्ल के साथ, अम्ल क्षार पढ़ा हुआ इसे पहले वाला चैप्टर में, अम्ल क्षार और भस्म तीनों हम आपको बता दिए थे। तो जनरली आपको देखिएगा तो हाइड्रोजन जिसमें लगल रहता है वो अम्ल होता है, और ओ एच जिसमें लगल रहता है वो क्या होता है, क्षार होता है, ये पढ़ा हुआ है। तो यदि आप अम्ल के साथ, मनु की अम्ल कहने का मतलब उसमें एच होगा, अम्ल का पहचान जनरली क्या है, एच होगा। यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा कौन, धातु, कोई भी धातु, तो वो अम्ल से हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, और अम्ल की पहचान एच है, और एच को हम क्या कर दे रहा है, बाहर कर दे रहा है। तो जनरली एच को अगर बाहर कर देगा तो वो अब तो अभिक्रिया के बाद अम्ल रहेगा नहीं, क्योंकि अम्ल उसको सॉरी अम्ल में से एच क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा था। अगर एच जैसे HCl है, HCl, और इस HCl से हम एच को हटा देते क्या Cl आपका अम्ल है, नहीं होगा। तो यहाँ पास याद रखिएगा कि अगर कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अम्ल से हाइड्रोजन को निकाल देता है और लवण बना लेता है, क्या बना लेगा वो, लवण। अम्ल को अभी अम्ल से हाइड्रोजन को निकाल करके क्या बना देगा वो, लवण। तो लवण हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि यदि धातु को हम अम्ल से अभिक्रिया करें तो देगा क्या, तो आपको याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस बाहर कर देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर कर देगा, और बाकी जो बच जाएगा वो आपका लवण होगा। जैसे देखिए सोडियम है, इसको HCl से अभिक्रिया कर दिए, यानी कि अम्ल से अभिक्रिया कर दिए, अम्ल से अभिक्रिया करने का मतलब है कि ये आपका धातु हो गया, धातु और प्लस अम्ल, दे क्या रहा है आपको, लवण प्लस H2 गैस, जल है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस आपको मुक्त कर रहा है। जैसे सोडियम को HCl के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम क्लोराइड बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, दूसरी एल्यूमिनियम क्या क्या है, धातु है, और इसको आप रिएक्शन करवा दीजिए अम्ल के साथ, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा अपने जाकर सट जाएगा, और सट जाएगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2 गैस,
H2 गैस A बना लेता है आपका ये। अब समझिए चौथा पॉइंट, यदि धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए, धातु के देखिए धातु के लवण कहने का मतलब है ना, लवण कहने का मतलब न्यूट्रल होता है ना, आपका धातु का सॉरी अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और ना ही आपको क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इस सिचुएशन में आपको हमेशा याद रखना चाहिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन तो आपके लिए नया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको याद कीजिए दो तरह का, एक सिंगल और एक डबल। तो आप इसमें विस्थापन याद रखिएगा कि जेकर लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस याद रखिएगा हमेशा। इसका मतलब क्या होता है, जिसकी ज्यादा स्ट्रेंथ यानी ताकत है वो हमेशा क्या करेगा जीतता है। तो यहाँ पास वही चीज है कि अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील मैंने ज्यादा बोला, कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से बाहर कर देता है। हकीकत है ऐसे भी सीएम आएगा तो डीएम को उठे पड़ेगा, क्योंकि सीएम का पावर डीएम से अधिक होता है, कम होता है रे, अधिक होता है। एक फोन करेगा सीएम ना तो डीएम कर पीछे पीछे घूमल चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका धातु क्या है एमजी, एमजी को यदि आप लवण, लवण याद रखिएगा H2SO4 क्या आपका लवण, बताओ तो इसका रासायनिक नाम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यदि मैग्नीशियम को आप रिएक्शन करा देंगे H2SO4 से तो ये जनरली क्या बना लेता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट आपका क्या है लवण है, लेकिन यहाँ पास अंतर क्या है कि मैग्नीशियम आपको हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर दिया हटा दिया है, और हटा करके हाइड्रोजन की तरफ खिसका दिया है, वो अपने एक जगह पे आ गया है। तो याद रखिएगा कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु होगा वो हमेशा कम वाले को उठा करके फेंक देता है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम रिएक्शन करा देता है तो हाइड्रोजन को हटा देता है, तो क्या बना लिया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। तो यहाँ पास देखिए तो क्या है आपका धातु है धातु प्लस लवण, लवण। अब बताओ धातु प्लस लवण रिएक्शन करके क्या दे रहा है, लवण दे रहा है और प्लस H2 दे रहा है, H2 दे रहा है। अब यहाँ पास याद रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है कि हर वाला हर बार आपको H2 ही दे, क्योंकि यहाँ पास जो कम क्रियाशील होगा वो हटा देगा, कम क्रियाशील वाले को हटा देगा। तो हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि अभी हम इसको समझाएंगे यहाँ कॉपर यहाँ Mg है, तो अगर यहाँ पास Mg दे देते हैं हम MgSO4 और यहाँ पास कॉपर लगा देते हैं तो Mg को क्या कर देता बाहर। धातु प्लस लवण अब क्या बना रहा है लवण प्लस H2। अब ये चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ पर हमेशा H2 नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम आपको और समझा रहे क्लियर कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ Cu रहता Cu प्लस MgSO4 रहता MgSO4 रहता, तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर H2 निकलेगा, H2 तो है भी नहीं यहाँ है नहीं, यहाँ आ जाता CuSO4 प्लस Mg यहाँ पास बाहर आ जाता, और Mg बाहर आ जाता तो क्या यहाँ पास H2 लिखना सच सत है नहीं, तो लवण प्लस धातु, लवण प्लस धातु। तो याद रखिएगा जैसे ZN को अभिक्रिया करा दीजिए H2SO4 से क्या बना लेगा ZnSO4 प्लस H2। और हमेशा देखिएगा कि ये वाला आपका ZN इधर कहाँ लिखाता है, इधर क्यों नहीं, तो आपको याद रखिए कि जो धातुएं होती है ना रिएक्शन में पहले लिखाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति पूछता कि MgSO4 लिखे हो तुम, इस Mg को इधर और SO4 को इधर क्यों नहीं लिखे होता, हर चीज का नियम होता है। Mg क्या होता है धातु है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे पहले लिखा जाता है, याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ पास याद रखिए, अब देखिए आप कैसे समझोगे कि कौन कितना अधिक है या कौन किस से ज्यादा अधिक क्रियाशील है। तो इसके लिए यहाँ पास एक टेबल हम बनाए जिसको बोला जाता है क्रियाशील समूह या सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी आपको हमेशा याद रखना चाहिए, अगर ए वाला बात याद रहेगा तो आपको रिएक्शन करने में गलती नहीं होगा, और ए वाला बात याद क्या होनी चाहिए कि ऊपर से चलिए ए वाला हम इसका संकेत लिखे हैं, आप बताइएगा इसका रासायनिक नाम ठीक है, हाथ रखेंगे वहां बताएगा, लड़कियों बताना लड़की लोग आप लोग बताना इसका नाम बताओ, इसका नाम लोहा ठीक है, इसका आप सुनिए ऊपर से नीचे आइएगा, जैसे जैसे आपकी क्रियाशीलता क्या होता है धातु का कमते जाता है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक फेरस यानी कि लोहा यानी लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी चांदी सोना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ZN यानी जिंक Fe यानी लोहा Pb यानी कि सीसा यानी लेड H यानी हाइड्रोजन कॉपर मरकरी चांदी सोना।
ठीक है, मरकरी को पारा भी बोला जाता है। याद रखे थे, ये जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे ना, इसकी सक्रियता श्रेणी क्या होता है, खत्म। और जो सबसे नीचे रहता है उसका एकदम निम्न ना के बराबर उसका रिएक्शन होता है किसी के साथ, याद रखिएगा। जैसे सोना चांदी को देख लीजिए, दम गांधी छाप है, कुछ कीजिए लड़ भी नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला जाओगे तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस है, हमेशा एकदम तैयार। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस, और उन्होंने ही दिया था नारा दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, याद रखिएगा। इससे बात यहाँ पर सोडियम का क्या है, पोटेशियम जो है सोडियम से अधिक क्रियाशील है, और इसमें माध्यम, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक क्रियाशीलता श्रेणी को आप बांटिएगा तो इसको आप दो ग्रुप, तीन ग्रुप में बांट सकते हैं। तीन ग्रुप में कैसे बांट सकते हैं, यहाँ से ऊपर यानी कि एल्युमिनियम से ऊपर वाला, यानी कि एल्युमिनियम इंक्लूड कर दीजिए, यानी कि जिंक से ऊपर वाले जो भी आपको दिख रहा है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील है। यहाँ से आप यहाँ ये कॉपर तक, ये आपका मध्यम वर्ग का क्रियाशीलता, मतलब की जरूरत पड़ेगा तभी इसे लड़ेगा। और नीचे वाला एकदम हाउ है, ठीक है, एकदम हाउ है, मतलब एकदम गांधी छाप है, लड़बे नहीं करेगा, ये वाला पर गाल पर मारोगे तो छान देगा, ले मारू। तो ये आपका गांधी जी है, ये सब रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए देखिएगा कि जो गांधी होता है, गांधी छाप उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए नीचे जितना आपको दिख रहा है ना, ये बहुत कॉस्टली होता है। 10 ग्राम सोना का कीमत लगभग 70,000 के आसपास है। 10 ग्राम सोना का कीमत, 10 ग्राम बोल रहे हैं, केजी नहीं बोल रहे हैं, 70,000। क्योंकि पोटेशियम देखिए आपको 50-60 रुपया, 70 रुपया में 100 रुपया मुश्किल से 1.5 केजी मिल जाए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या आपका ध्यान का, इसीलिए शांत रहना सीखिए, हर बात को बर्दाश्त करना सीखो, तुम्हारा वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, ना कि फटर फटर बक रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगा, कोई नहीं। याद रखिए कि आप बोल रहे हैं ना, पूरा मार्केट अगर हंस रहा है, कोई जरूरी नहीं कि आप बोल रहे हैं तो आपको बुद्धिमता पर लोग हंस रहा है, आपकी बेवकूफी पर भी हंस सकता है, और आपको लगे कि हम बोल रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, लाल शर्ट, तो लोग हंसती है या हंसता है, नाचता है ना, कि हम बहुत ज्यादा बोल रहे तो महान है, बेवकूफ को तुम्हारी बेवकूफी पर हंसा जा रहा है, और तुमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तुम्हारी बेवकूफी पर लोग हंसता है। ये वाली बात हमेशा याद रखिए।